दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल सर्प मित्र मोहम्मद अजीम में। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं आज भैया दोस्त का दिन है और त्योहारों का टाइम चल रहा है। तो एक अभी अभी यहां पे सांप देखा गया है और हम सांप रेस्क्यू करने के लिए आए हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा सांप है और ये लाकड़ी के अंदर ही है, तो अभी दिखाते हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं, बने रहे वीडियो में लास्ट तक। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा सामान वामान ज्यादा रखा है और मैं अपनी वीडियो में ज्यादातर यही कहता हूँ कि सफाई रखें अपने घरों में, क्योंकि इनसे खतरा बना रहता है। और आइए देखते हैं कौन सा सांप है, टॉर्च दिखाओ जरा। तो दोस्तों यह रेड स्नेक काफी तेज सांप होता है ये, और इसके अंदर जहर नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर जहर है तो आप इसे पकड़ने की कोशिश करें, क्योंकि जब ये चूहा खाता है तो साइड इफेक्ट का भी डर रहता है। तो कभी भी आप सांप पे ऐसा हाथ ना डालें जब तक आपको जानकारी नहीं है, और किसी एक्सपर्ट को बुला करके उसे पकड़वाने का काम करें। और मारे नहीं, ये पर्यावरण के मित्र होते हैं। तो आइए बने रहे वीडियो में लास्ट तक, और निकालते हैं इसे पकड़ो। तो ये दवास में है, स्टिक से निकालने की कोशिश करेंगे इसे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं रेड स्नेक है और ये काला वाला है, और ये गुस्से में अपने ही बाइट कर रहा है, और ये हमने पकड़ने की कोशिश की, ये गुस्से में पूरा भाग पूरा हो चुका है इस टाइम, बहुत तेज गुस्से में है ये। और ये रेड स्नेक है और हमने सही सलामत बिल्कुल रेस्क्यू कर लिया है। तो जैसे कि आपने देखा, हमने अभी रेड स्नेक को बिल्कुल सही सलामत रेस्क्यू किया, और ये भूख के कारण घर में घुसा था पीछे से। तो ये दीवार में बताना चाहूंगा कि दीवारों पर भी चढ़ जाता है, तो अपने घरों की मतलब पीछे से प्लास्टर वगैरह कुछ ऐसा करा लें ताकि कोई कीड़ा काटा आपके घर में प्रवेश न कर सके और आपको खतरा नहीं हो किसी वजह से। और ये चूहे के बच्चे इसने छोटे छोटे खा रखे थे जो कि इनने उगल दिए हैं। तो अब इसे लेकर चलेंगे पर्यावरण में, और बने रहे वीडियो में, और इसे करेंगे हम रिलीज। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, हमने अभी अभी सांप को रिलीज किया, और आज भैया दोज का दिन था, शुभ पर्व था, और त्योहार हिंदुस्तान के अंदर त्योहार मनाया जा रहा है। तो उसी त्योहार में ये सांप एक घर में घुस गया था, और इसे भूख लगी थी बहुत तेज, तो ये भूख के चक्कर में अपने पेट के चक्कर में दोस्तों घर में घुस गया, और ये चूहे खा हुआ था, नन्हे नन्हे चूहे के बच्चे खा हुआ था ये। और ये मैं बताना चाहूँगा दोस्तों अपनी बाइक के बारे में, ये मेरी बाइक का नाम है करकेंटा, जो कि मेरी बाइक हर परिस्थिति में मेरा साथ देती है, और अगर जी कोई बात होती है तो ये रंग बदलने का भी काम करती है दोस्तों। इसका नाम है करकेंटा, और ये आगे से फूटी पड़ी है दोस्तों, हर परिस्थिति में मेरे साथ रहती है, सुख में मेरे दुख में हर समय। तो एक क्रेडिट मैं अपने करकेंटा को भी देना चाहूंगा। तो आइए आप सांप को निकालते हैं और इसे रिलीज करते हैं। आजकल क्या कर रहे हैं स्नेक कैचर के, सांप घरों में छोड़ देते हैं और किसी को पैसे दे करके वीडियो बनवाने का काम करते हैं, तो हमारा वो काम बिल्कुल नहीं करते हैं, और देते हैं इसे नई जिंदगी, और सांपों को मारे नहीं, क्योंकि जैसे हमें अपनी जान प्यारी होती है ऐसी जीवों को होती है, और ये पर्यावरण के मित्र होते हैं, और इन्हें मारने मारे नहीं बचाने के लिए आप मेरे चैनल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सर्प मित्र मोहम्मद अजीम चैनल पर, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करते हैं कर सकते हैं। और सांप को मारने आइए तो आप देते हैं एक सांप को, और तो ये देख सकते हैं आप रेड स्नेक, बिग साइज का है ये, तो हमने ये छोड़ दिया है बिल्कुल,